सामेन इकराम अली असगर के पास दो दो बार जाके आया, वो हिम्मत नहीं है सामने बैठने की। दो बार जाके अब सारे हजरात देख चुके हैं अली असगर के वहाँ जाकर, उसके कमिटी वालों के सामने उसको ललकारा, उस बेगैरत की हिम्मत नहीं हुई सामने बैठकर मुनाजरा कर सके। मैं गया था, दो बार गया था असगरी देवबंगी के पास। अभी भी असगरी को कॉल करके कोई भी बंदा, कोई जर्रा बराबर शर्म हया गैरत रखने वाला कोई देवभंगी, अगर जर्रा बराबर किसी के पास शर्म हया गैरत है, असगरी से कॉल करके मुझे बात कराएं, मेरे कॉल कॉन्फ्रेंस करके बात कराएं और असगरी से डेट लें मुनाजरा के, वो चैलेंज करे असगरी। अगर चैलेंज करेगा अभी भी उसके सामने मैं हाजिर हो जाऊंगा और मुनाजरा होगा। वो चैलेंज करे या फिर हमारे चैलेंज एक्सेप्ट करे, गोवा आ जाए, एनी टाइम मोस्ट वेलकम। असगर देवबंदी मुनाजरा करोगे? हाँ, तुमने एक वॉइस भेजी है, तुमने कई वॉइस भेजी है मेरे से मुनाजरा करने के मुतालिक, और तुमने कहा कि कोई अगर देवबंदी में गैरत शर्म हया है तो अली असगर से बात कराए मुनाजरा करने के लिए, या तो गोवा में वो आए या मुझे वहाँ बुलाए। ठीक है, बोलो ना तुमने। हाँ, तो मैं तुम्हारे गोवा आने के लिए तैयार हूँ, तुम लेटर पर मुझे भेजो, लेटर पेड में अपना मुनाजिर होने के की तारीख भेजो, ठीक है, और तारीख बताओ किस तारीख में तुम मुनाजरा करोगे। बाकी जो शराइत हैं वहाँ जिम्मेदारी सिक्योरिटी वगैरह की इंतजाम जो होगा करना तुम्हें करना है, खर्चा हमारा रहेगा, हम यहाँ से जाएंगे, ठीक है। हाँ, खर्चा हमारा रहेगा, हम अपने खर्चे में जाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी रहेगी कि वहाँ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम रखोगे, ठीक है, तुम्हारे तरफ से 10 आदमी होंगे, खामोश रहो, खामोश, तुम्हारे तरफ से 10 आदमी, हमारे तरफ 10 आदमी, ठीक है, और तुम अपने लेटर पेड में लिख दोगे कि जलालुद्दीन जो है वो अपने मसलक का वकील मुनाजिर है, उसकी शिकस्त उसके मसलक की शिकस्त होगी, लेटर पेड में लिख के दो, और तारीख भी बताओ कौन सी तारीख में, वो लिख के दो तारीख, तारीख फला तारीख को मुनाजरा होगा, तुम्हारे गोवा में आकर मुनाजरा करूंगा। देखो, तुम पहले लेटर पेड पे, तुम पहले लेटर पेड तुम्हारा है ना, लेटर पेड पे तुम लिखा लो कि तुम्हारे मसलक का तुम मुनाजिर हो, अगर तुम जो मुतालबा हाँ से कर रहे हो, पहले तुम्हारा उस लिहाज से उस लेवल का तुम्हारा मुतालबा, तुम भी अपने उस लेवल का पेश करो, तुम उस लेवल का साबित करो कि तुम भी उस लेवल का हो। देखो, तुम पहले साबित करोगे कि उलमा देवबंद की तरफ से तुम मुनाजिर हो, उलमा देवबंद का तुम वकील हो, ये तुम पहले दिखाओ, साबित करो, और मैं जा रहा हूँ जलालुद्दीन के पास, जलालुद्दीन भी उस लेवल का है कि साबित करे, तुम अगर दिखाओगे फिर हम फौरन दिखाएंगे। अच्छा, जवाब दूं मैं? अगर तुम डिमांड कर रहे हो, अब मैं बोलूं, डिमांड के बगैर, तुमको भी सारे लोग जानते हैं, जितने लोग तुमको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा मुझे लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जलालुद्दीन बरेलवी का एक मौलवी है और असगर देवबंदी का एक मौलवी है, लोग जानते हैं। अब लेटर पे तुम मांग रहे हो, पहले तुम अपना लाओ। ठीक है, अब मैं जवाब दूं, अब मैं जवाब दूं, सिक्योरिटी का यहाँ पर हर किस्म का बंदोबस्त इंतजाम मैं करूंगा। हाँ, अब मैं जवाब दूं, डेट बताओ, अब मैं जवाब दूं, जब तुम इतने दिनों से तुम चैलेंज कर रहे थे कि अली असगर आमने सामने मुनाजरा करे, उसका मतलब यही है तुम मुझे मुनाजिर मानते हो, और मुनाजिर मानते हो इसलिए तुम यहाँ आए थे मुनाजरा करने के लिए, जब मुझे मुनाजिर मानते हो फिर शायद की जरूरत नहीं है, तुम मुनाजरा का चैलेंज किए, सबसे पहले तुम तायद नामा मुझे भेजोगे कि जलालुद्दीन को शौक है खुजलिए मुनाजरा का आमने सामने, ठीक है, तो तुम अपने मसलक से पहले सबसे पहले तायद नामा तुम भेजोगे, तुमने चैलेंज किया, अगर तुम नहीं दिए आज अभी तुम्हारी शिकस्त होगी, तुम तस्लीम नहीं किए शराइत, अभी तुम्हारी शिकस्त होगी अगर तुमने ये नहीं किया। सबसे पहले तुमने तुमने हमारे आवाम को ललकारा के कोई बरेलवी अपने को मुसलमान साबित नहीं कर सकता, फिर मैं तुम्हारे ललकार की वजह से तुम्हारे पास पहुंचा, तब तुम भीगी बिल्ली बन के कोने में बैठे, और तुम ये मत कहो कि मैं पहले ललकारा, पहले तुमने ललकारा था, इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे वहाँ पहुंचा था। आप मुझे भी लोग जानते हैं, तुमको भी लोग जानते हैं, कोई तारीफ की जरूरत नहीं, और मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, तुम्हारे देवबंद तुमको दारुल उलूम देवबंद से तुमको बिल्कुल तारीफ नहीं देगा। मैं अभी भी चाहूँ यहाँ के जो महाराष्ट्र एंड गोवा, यहाँ के कानून और जुडिशरी के अतबार से एक ही है, गोवा महाराष्ट्र का ही मातहत में है, हाँ, हाई कोर्ट भी बम्बई हाई कोर्ट से ही यहाँ के रिलेटेड है, इसलिए महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा इदारा है हमारा दारुल उलूम बरकाते इमाम अहमद रजा,
वहाँ से अभी चाहू मैं तारीफ लेके आ सकता हूँ। अब मैं जवाब दूँ, तुम पहले बोलो मैं सामीन देखें, ये भाग रहा है, ये मर्दूद हमें से चैलेंज करता है, खबीस चंदा चोर। मैं भाग रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तेरा चैलेंज, तेरा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, तेरा चैलेंज। खामोश रहो, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। शुरू में ही कहा कि मैं आदब से बात करूंगा। ये मुनासिब है। तू गोवा आ। हाँ मैं आऊंगा, तारीफ चाहिए तो बिल्कुल तैयार हूँ गोवा आने के लिए। डिमांड करने वाला पहला अपना तारीफ दिखाता है। डिमांड मैंने किया, अब मेरा जवाब ले, मेरा जवाब ले, मेरा जवाब ले, अब मेरा जवाब ले, अब मेरा जवाब ले, ठीक है। तुमने मर्दूद कहा ना, तू सबसे बड़ा मर्दूद, बोलो बोलो। अब मेरा जवाब ले। तुमने कहा कि मैं अली असगर चैलेंज कर रहा था, इसलिए मैं वहां गया तो अली असगर भीगी बिल्ली बन गया। मेरा चैलेंज था फोन कॉल मुनाजरे में। मेरा चैलेंज अगर ये था कि अगर कोई आमने सामने मुनाजरा करना चाहता है, सबसे पहले मेरे से फोन कॉल में मुनाजरा करे, उसकी इल्मी लियाकत देखूंगा, उसको इजाजत दूंगा, फिर मेरे सामने आएगा। लेकिन मुनाजरा आमने सामने करने का तरीका यह था कि आदमी सबसे पहले तारीख तय करे, जगह तय करे। तू चोरी चोरी छुपके आया, भागा चोरी छुपके, और मेरे पास भी और तूने भी तस्लीम किया कि जब वहाँ रुकने के लिए मैं सोचा, मैं आकर उसको कहा कि मुनाजरा के इसी पर शराइत तय होने के बाद मुनाजरा हो, आज मुनाजरा शराइत तय करके आज ही मुनाजरा होगा या फिर कल मुनाजरा होगा। मैं 2-3 दिन रुकने के लिए मैं आया था, कोई चोरी छुपके लिए उसके सामने मस्जिद के सामने कहा, मस्जिद के सदर उसके मुंह के सामने कहा मुनाजरा नहीं करना है। इसको भागना है, भागा है, भागा सामीन। अब मेरा जवाब ले, अब मेरा जवाब ले, साबित होता है, अब मेरा जवाब ले। जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब दे रहा हूँ, सुन। सामीन ये बोल रहा है, सामीन खामोश रहा, सामीन ये बोल रहा है कि मैं भीगी बिल्ली बना बैठा। हालांकि सामीन जब भी आया था, हम हुक्म देते हैं हमारे सदर, हमारे समिति दीनी मामला में हमारे ताबे हैं, आलिम मैं हूँ और आवाम हमारे ताबे हैं। लेकिन तू वहाँ जाकर देखा, मेरे आवाम कह रहा है यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई लफड़ा नहीं होगा, यहाँ मुनाजरा नहीं होगा, और तू उसकी तारीफ करता हुआ तो सर झुका कर खड़ा था। अब मैं जवाब दूँ, मैं जवाब दूँ गोवा में आएगा मैं जवाब दूँ। मेरा जवाब ले, उसने कहा कि वो जब आया था, हजरत खामोश करो, हजरत खामोश करो, भाग रहा है, भाग रहा है मर्दूद, खबीज भाग रहा है। सामीन देखिए, ये जवाब ले, तूने बोला मैं भूखी बिल्ली बना बैठा, जवाब ले, बना था। हालांकि जब आया था मुनाजरा चैलेंज करने के लिए, मैंने कहा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज के बाद फराइज तय होगी, मुनाजरा होगा, इसने भी तस्लीम किया था, हम यहीं बैठते हैं, मुनाजरा होगा। जब मैं मुनाजरा चैलेंज कर दिया, मैंने कहा फराइज होगा, अगर भीगी बिल्ली कैसे, मर्दूद खुद अपनी जिल्लत छुपाने के लिए मुझे इल्जाम आज के भागता है। झूठ बोल रहा है। मैंने ये खुद तस्लीम किया है कि मैं तैयार था मुनाजरा करने के लिए, खुद तस्लीम किया है वीडियो के अंदर। सुन, अगर तेरे अंदर आमने सामने अली असगर से मुनाजरा करने की हिम्मत नहीं है, बेशरम आइंदा कभी चेंज मत करना आइंदा कभी भी। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन मेरी बात सुन। हाँ मैं तुझे तारीख बताऊंगा, तू पहले लेटर पर लिख के दे कि तू अपने मसले का मुनाजिर है। पहले मरता क्यों, चैलेंज क्यों करता है मर्दूद, अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है चैलेंज क्यों करता है तू? हाँ दे, भेज, कब भेजेगा लेटर पेट, बोलो।
पुलिस परमिशन मैं 3 दिन पहले दे दूंगा। कौन सा लेटर पे? तो तेरे मसलक का मुनाजिर है, उसकी तारीख नामा तू कब भेजेगा? पहले तू अपने मसलक का मुनाजिर होने की फैसियत दिखाते हैं। मैं मुनाजिर इसलिए तू आया था, मैं तो मुनाजिर इसलिए तू मुनाजिरा करने के लिए आया था मुझसे। तू मुनाजिर भागा यहाँ से, मर्दू दुम दबा कर तू यहाँ से भागा। मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा असर बात सराय तय होगी। कैसे बोला था? मेरा जवाब लेगा? मेरा जवाब लेगा? मेरा जवाब लेगा? मेरा जवाब लेगा? मैं जवाब दूं? हमारे से क्या बोल रहे? मुझसे जवाब लेगा पता चले कि हाँ हकीकत क्या है? तू चोर था मुसाफिर, तू चोर था, तू चोर था मुसाफिर नहीं था, तू चोर था, उसको मुसाफिर नहीं बोलते, चोर था तू, चोर तू, चोर था, इसलिए तुझे लोगों यहाँ के लोगों ने दिल कर भगाया तुझे। तू मुसाफिर नहीं, मुसाफिर किसी और को नहीं पता, नहीं पता नहीं मुसाफिर कहते किसी ने। तू चोर था, हाँ लवाजत कर रहे थे, उसका वीडियो बनाया तो वीडियो डिलीट करवाया। क्या वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा था तो वीडियो को डिलीट करवाया। डिलीट किसने करवाया? वीडियो को जबरदस्ती करवाया। किसने करवाया? डिलीट जमात वाले आपस में लवाजत करते हैं मस्जिद के अंदर। काबर काबर हमने बनाया, काबर काबर वीडियो को डिलीट करवाया, काबर 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 मेरी मस्जिद में। हाँ तेरी मस्जिद में। हाँ क्या हो रहा था? जिस मस्जिद की बात कर रहा है, हाँ वीडियो डिलीट कर रहा है उसको। वहाँ पर लोग साफ जितने लोग हैं, हाँ? कोई ये नहीं कह रहा है कि जलाल सिंह चोर है, ये कह रहा है कि वीडियो डिलीट करो, वीडियो डिलीट करो, उनकी काली कर तो सामने आ रहा है। डिलीट किसने करवाया था? डिलीट किसने करवाया था? इतना घर तुम्हारे लोगों को डिलीट किसने करवाया था? तेरे लोग ना हमारे लोग, तुम लोग गंदे हरकत कर रहे थे मस्जिद में। हाँ मस्जिद में गंदे काम कर रहे थे। हाँ क्या कर रहे थे? नौजवान मस्जिद में गंदे काम कर रहे थे, उसका वीडियो बनाया तो तूने आंखों से देखा? 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 वीडियो डिलीट करवाया तुम लोगों ने? तूने आंखों से देखा? वीडियो में जिस वीडियो को दिखाकर तू बता रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस वीडियो में लोग कह रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो। क्यों कर रहे हैं? क्यों? कौन कौन लोग? वो लोग कौन है? वो लोग कौन? वो लोग है कौन लोग? इतना तो बोल दे जिसने डिलीट किया है। कौन लोग? तेरे लोग है, हमारे लोग? सुन रहा है? सुन रहा है? मुझे सुन रहा है? खबीस कहीं का सुनता नहीं हम हराम को। सुन मैं पूछ रहा हूँ, जिसने वीडियो डिलीट कराई वो कौन लोग थे? तेरे लोग हमारे लोग? जिसने जिसने वीडियो डिलीट कराई वो कौन लोग? तेरे लोग हमारे लोग? लात खा जाएगा, लात खा के, लात खा के जाएगा, नंगा होगा तू अब। भागने नहीं दूंगा। अब तू नंगा होगा मर्दू, तू आ जा, नंगा होकर जाएगा तू मर्दू, मर्दू कहेंगे तू। देख आंखों से देखा तूने? तूने आंखों से देखा? बता मुझे तू लेटर पर कब देगा? बोल लेटर पेड कब देगा? पहले लेटर पेड भेज, क्योंकि मैं मुनाजिर हूँ, तू मानता है इसलिए मुनाजरा करना आया था। सामीन ये मर्दूद बोल रहा है भिगी बिल। हालांकि जब वो आया मैंने कहा असर का टाइम हो गया है, बैठ, असर की नमाज के बाद शराय तय होगी, फिर मुनाजरा होगा, ठीक है? वो बोल रहा है हमारे सदर ने कहा यहाँ कुछ नहीं, हमारे सदर ने बोला कि होगा मुनाजरा लेकिन बाहर मस्जिद में नहीं। जरा सुनो यार, मैं खुलासा कर रहा हूँ, सुनो खुलासा करो, खुलासा करो, सामीन देखे पहली बात। सामीन ये मर्दूद जब भी आता है सुनता नहीं है और अपनी बात झूठ बोलकर भगता है। ये बोल रहा है अली असगर भिगी बिल्ली बन गया। हालांकि सामीन ये खुद इसके पहले गुफ्तगू हुई थी मेरी, इसने तस्लीम किया है कि मैंने कहा असर बाद शराय तय होगी, असर बाद मुनाजरा होगा शराय तय करके। मैंने कहा हमारे साथी ने उसके साथी को 5 मरतबा फोन लगाया जो लेके आया था, फोन नहीं उठाया। बिगी बिल्ली कौन था? हमारे सदर ने जिम्मेदार ने कहा कि जो तुम्हें करना हो मस्जिद के बाहर जाओ, मस्जिद के अंदर नहीं। हालांकि इसका इरादा धमाल करने का था,
धमाल करने का, फितना करने का था, इसलिए हमारे साथी था, क्योंकि इसने खुद कहा कि तुम्हारे सदर ने इजाजत नहीं दी। जब तुम्हारे सदर ने इजाजत नहीं दी, मुनाजरा कैसे होगा? जब इस मरदूद को यह एहसास हुआ कि उसकी जिल्लत हुई है, बगैर इजाजत के आया, चोरी करके आया, सदर की इजाजत जरूरत है, फिर लात बुते खाने के लिए मुत तैयब कासिम साहब के पास फिर क्यों गया बगैर इत्तला किए हुए? फिर क्यों गया लात खाने के लिए मरदूद? ये मरदूद झूठ बोलता है कि भीगी मिल मैंने तुरंत कबूल किया था। अरे ये इतना खबीस गंदा है कि इसकी लगता है इसके मुंह में कोई तवायफ ने पेशाब की है। जब भी ये आवाज डालता है, अरे मैंने ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रखा, अब ब्लैक लिस्ट में काम की बात बोल रहा हूँ। सामीन जब भी आवाज भेजे गए, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करता है, लगता है इसके मुंह में कोई पेशाब तवायफ ने की है। सामीन कोई अच्छे इस्तेमाल नहीं करता है, और ये इसने बार बार कई दफा चैलेंज किया है कि अली असगर में हिम्मत है मेरे सामने मुनाजरा करे। तो फिर वो उसने हमारे साथी ने उसको कहा कि अगर देवबंदी में कोई गैरत, अगर शर्म हया है किसी के अंदर, अली असगर वाले बात कराए। जब बात कराया इस मरदूद को, तो ये मरदूद को बोलना चाहिए कि हाँ मैं तायदनामा दे रहा हूँ। बोल रहा है तू मुनाजिर है तो उसकी दलील दे। मैं मुनाजिर हूँ, तू मेरे पास आया था इसकी दलील है मुनाजरा करने के लिए, तेरा मुदस्सिर ने फोन किया आमने सामने मुनाजरा करने के लिए मुझे, फिर क्यों बोलता है तू हैं? भाग गया मर्दूद, नहीं झूठ बोलता है कभी। इतना बड़ा खबीस है ये मर्दूद, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। इसके धर्म, इसको मौलवी कौन मानता है, कौन इमाम बनाता है इसको? ये मदरसा में पढ़ाने का दावा करता है, क्या सिखाएगा अपने लोगों को? यही सिखाएगा, झूठ करता है, जगह जगह जाके पैसा लेता, चंदा लूटता है बोल रहा है। तुम्हारी जहाँ मैं वीडियो बनाया था, बोले वहाँ लिवाता होते हुए खस्ता खुल नंगा करेंगे इस खबीज को कि हाँ क्या हो रहा था मस्जिद के अंदर। मस्जिद में वो गश्त का दिन था और जमात गश्त करने के लिए गई थी, कुछ साथी वहाँ बात कर रहे थे, अल्लाह उसके नबी की बातें हो रही थी मस्जिद के अंदर, और ये मर्दूद ये मर्दूद बोला लिवातत हो रहा था वहां पे, अस्तगफुरुल्लाह बात करने वाला बात, ये लिवातत है? इतना बड़ा खबीस जबान से ये जुमला इस्तेमाल कर रहा था, वहाँ किताबें पढ़ रहे थे, वो हदीस पढ़ रहे थे वहाँ पे, हदीस पढ़ने को लिवातत कर रहा है खबीस। अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है, मैंने उसकी वीडियो उठाई उतारी, और ये बोल ही नहीं रहा है, आ मर जाएगा मरदूद कि बोलेगा नहीं कभी भी कि वीडियो डिलीट किसने कराया, तुम्हारा आदमी मेरा आदमी, हालांकि वीडियो जिसने डिलीट कराई उसका ही आदमी था। ये बोलता है झूठ बोल गया, ब्लैक लिस्ट में डाला नंबर, हालांकि डाल रखा हमें जुबैर से कराने की जरूरत क्यों पड़ती, फोन भागा, फोन काट के मरदूद इतना भाग्या भाग्या। चलो ठीक है, मैं इस अल्लाह के नबी, अल्लाह उसके बाद नबी की बातों बात बोल रहा है खबीस, शर्म नहीं हैरत नहीं इसको, खुद तस्लीम के इसलिए इससे पहले ट्राई कर रहा हूँ, किसी का भी फोन नहीं उठा रहा है, मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, लेकिन आज पता ना कैसे फंस गया है। ठीक है भागा, देखते हैं कब वो लेटर पेट देता है मरदूद, कब देता है? तीन दिन में देने का बोला है वो पुलिस सिक्योरिटी का लेटर पेट, और अपना लेटर पेट कब मुनाजिर होने कब देता है देखते हैं। ठीक है, तीन दिन का बोला है, तीन दिन पहले देगा। ठीक है, सलाम सलाम सलाम।